नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है बच्चों, कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की हम बात करें या अगर हम डाइल्यूट हाइड्रो नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो जैसे ही हम नाइट्रिक एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं ना बच्चों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सो वेन एवर वी डिजोल्व द नाइट्रिक एसिड इन वाटर देन इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। क्योंकि ये क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ही क्या होता है, ये पानी के अंदर हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। यस, सो कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नया हाइड्रोनियम आयन अलोंग विद नाइट्रेट आयन। सो नाइट्रिक एसिड इज कंसिडर एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड इट रिएक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स। द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन। तो जो भी नाइट्रिक एसिड रिएक्शंस करता है ना बच्चा मेटल से, तो मेटल से रिएक्ट करके ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन, अगर हम कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लें तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, और अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लें और उसकी रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट हमें कुछ और मिलता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर से, इफ वी रिएक्ट नाइट्रिक एसिड टू कॉपर, और क्या ले लें हम नाइट्रिक एसिड, कैसा ले लें नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट ले लें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम कॉपर से करवाते हैं, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है, क्यूप्रिक नाइट्रेट। इट इज द क्यूप्रिक नाइट्रेट, और क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ में हमें क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी मिलेगी, साथ में क्या मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसी टाइप से अगर हम कॉपर की रिएक्शंस कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करवा देते हैं तो हमारे पास में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा लेकिन जो वाई प्रोडक्ट है ना, जैसे इसके अंदर हम जब हम डाइल्यूट ले लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब हम क्या ले लेते हैं, डाइल्यूट ले लेते हैं, जब हम डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो हमारे पास में गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक है। और जब हम नाइट्रिक एसिड को कंसेंट्रेट फॉर्म में ले लेते हैं और सेम कॉपर मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास में जो गैस बनती है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये फर्क है बस, दोनों में देखो प्रोडक्ट सेम है, क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट। इसी टाइप से अगर जिंक से रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो क्या बनता है, N2O बनता है, ठीक है। और अगर हम कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। डाइल्यूट से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलेगी हमें, और अगर हम कंसेंट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। मेन जो प्रोडक्ट है जिंक नाइट्रेट दोनों में सेम ही मिलेगा। तो ये हमें थोड़ी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ध्यान रखना है कि जब नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो उसकी सोल्ट बनाता है, और साथ में क्या करता है, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी, या नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। कॉपर के केस में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी अगर हम डाइल्यूट ले लेते हैं, और अगर हम कंसेंट्रेट ले लेते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसी टाइप से अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट फॉर्म में तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस गैस मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलती है। और इसी टाइप से अगर हम कंसेंट्रेट HNO3 की रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो हमारे पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसी टाइप से कुछ मेटल्स है जैसे क्रोमियम है और एल्यूमिनियम है, ये रिएक्ट नहीं करते नाइट्रिक एसिड से, रिएक्ट नहीं करते राइट। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करने का रीजन क्या है, ये जो क्रोमियम और एल्यूमिनियम है ना, इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, ऑक्साइड्स की एक लेयर आ जाती है इन मेटल की सरफेस के ऊपर, इन मेटल की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और ऑक्साइड की लेयर बन जाने से क्या कर देती है, ऑक्साइड की लेयर नाइट्रिक एसिड से इसको प्रिवेंट करवा देती है, तो नाइट्रिक एसिड इन मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रिक एसिड और मेटल से रिएक्ट करके, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जैसे अगर हम आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं, अगर हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाएं, आयोडीन से करवाते हैं, आयोडीन यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है, तो क्या मिलेगा, आयोडिक एसिड मिलता है, HIO3। व्हेनेवर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयोडीन इट गिव आयोडिक एसिड HIO3। सिमिलरली इफ वी रिएक्ट कार्बन टू द नाइट्रिक एसिड देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली सल्फर रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक एसिड वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं ना बच्चों, ध्यान देना, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सल्फर से करवाते हैं तो हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन का एक मेथड भी हो सकता है, डीजे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, देखो सब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कॉमन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सब में कॉमन है, वाटर मॉलिक्यूल सब में कॉमन है, मेन जो प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंट है। आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो आयोडिक एसिड मिलेगा, कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, और फॉस्फोरस से जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, H3PO4 मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। यस, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस वीडियो लेक्चर, रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट क्या होता है, जो नाइट्रेट होते हैं ना, नाइट्रेट आयन रिंग टेस्ट देते हैं, और रिंग टेस्ट आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री लैब के अंदर भी आपने सीखा होगा। नाइट्रेट आयन जो होते हैं ना बच्चों, वो रिंग टेस्ट देते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है रिंग टेस्ट। तो मैं बता देता हूँ रिंग टेस्ट क्या और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, रिंग टेस्ट ध्यान से समझेंगे इसको। इसको रिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में रिंग टेस्ट क्या है, तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया और उस कंपाउंड के अंदर क्या है, नाइट्रेट है, क्या है उसके अंदर, उस कंपाउंड में नाइट्रेट आयन है, तो उस नाइट्रेट आयन का कंफर्मेशन हम किससे करेंगे, रिंग टेस्ट से करेंगे। कैसे करते हैं, जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया, सॉरी एक कंपाउंड दिया, तो इस कंपाउंड को सबसे पहले किसमें इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो। क्या कर लो, इसका पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में उसका हम क्या कर लेंगे, एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे इसका। तो ये मैंने इसका क्या बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के। ये टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, और टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या बनाया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया गिवन सॉल्ट का। दिस इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सॉल्ट, जिसके अंदर नाइट्रेट आयन मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसमें ये नाइट्रेट आयन वाला एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर नाइट्रेट आयन मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe SO4 का सॉल्यूशन ऐड करूंगा, एड फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe SO4 सॉल्यूशन, इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe SO4 सॉल्यूशन ऐड करना है। इसके अंदर, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें नाइट्रेट आयन का एक्वा सॉल्यूशन डाला है। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe SO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालने के बाद में क्या करना है, टेस्ट ट्यूब की वॉल से, अब टेस्ट ट्यूब की वॉल जो है ना, टेस्ट ट्यूब की वॉल के हेल्प से धीरे धीरे हमें क्या करना है, इसके अंदर कंसेंट्रेट कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है एक्सिस में। ठीक है, एक्सिस के अंदर कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। जैसे ही कंसेंट्रेट एसिड ऐड करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों के जंक्शन पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। ए ब्राउन कलर लेयर इज अपीयर ऑन द जंक्शन ऑफ द लिक्विड, एंड दिस ब्राउन कलर्ड रिंग इज कॉल्ड रिंग टेस्ट। ये ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, एक ब्राउन कलर की क्या बनेगी, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग टेस्ट कहते हैं। समझ में आया टेस्ट क्या है, क्या किया, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्ट दिया था जिसके अंदर नाइट्रेट आयन मौजूद है उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, उस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe SO4 का सॉल्यूशन डाला। फ्रेशली प्रिपेयर करना है हमें, ताजा ही बनाना है, फेरस सल्फेट को पानी में डिजोल्व करना है तो फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। उस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशंस को इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है। इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने के बाद में इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब की वॉल से, टेस्ट ट्यूब की जो दीवार है ना, इसकी सहायता से धीरे धीरे इसके अंदर क्या पोर करना है, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पोर करना है। तो जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर पोर करेंगे एक्सिस में, तो दोनों सॉल्यूशंस की जो जंक्शन है ना, दोनों सॉल्यूशन मिलने की जो जंक्शन है, उस जंक्शन पर क्या बनेगी, एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। इस टाइप से सॉल्यूशंस के ऊपर वाली सरफेस पे ये तैरने लगेगी। तो इस ब्राउन कलर के रिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, हम रिंग टेस्ट कहते हैं। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा रिंग टेस्ट क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से शायद चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो पढ़ लेते हैं। ये रिंग टेस्ट के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इज डिटेक्टेड बाय द रिंग टेस्ट। इन दिस टेस्ट ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस ऑफ फेरस सल्फेट इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के अंदर इसको ऐड करते हैं, देन पोर कंसेंट्रेट। ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। केयरफुली ड्रॉप वाइज अलोंग विद द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब द अपीयरेंस ऑफ ए डार्क ब्राउन रिंग एट द जंक्शंस ऑफ द टू लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। तो एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है।
वो रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, कि सॉल्यूशंस के अंदर क्या है या गिवन अननोन सॉल्ट के अंदर क्या मौजूद है, नाइट्रेट आयन मौजूद है। द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ फेरस प्लस टू आयन टू रिड्यूस नाइट्रेट आयन इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हमने फेरस यूज किया ना, फेरस सल्फेट यूज किया, ये क्या है, नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन किसके अंदर मौजूद है, सोल्यूशन के अंदर, जो हमने एक बार सोल्यूशन बनाया था ना सोल्ट का, उसके अंदर नाइट्रेट आयन मौजूद है। ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट के अंदर जो आयरन है ना Fe+2, उससे रिएक्ट करेगा, और साथ में फोर एच प्लस कहाँ से आए, ये आया कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हमें 4H+ मिलेंगे, ये दोनों आप ये सब आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। मतलब ये बनने का जो ये रिंग टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो फेरस है ना, ये फेरस ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया फेरस तो रिंग टेस्ट दे देगा। तो ये देखो फेरस Fe+2 किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, Fe+3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो है ना Fe H2O6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेगा, NO से, ये जो NO अभी बना ना, ये NO से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर कंपाउंड बनता है। उस ब्राउन कलर कंपाउंड को हम बोलते हैं पेंटा एक्वा नाइट्रोनियम फर्स्ट कंपाउंड। पेंटा एक्वा का मतलब जो H2O है ना, ये 5 है, देखो H2O ये 5 है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटा एक्वा। ठीक है, पेंटा एक्वा, ये नाइट्रो NO को यहाँ पे बोलेंगे नाइट्रो, यहाँ पे प्लस का साइन है, और आयरन फर्स्ट ये कंपाउंड बनता है, ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ये बनता है रिंग टेस्ट के अंदर, ये रिंग टेस्ट है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, रिंग टेस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक, सॉरी ऑक्सीजन फैमिली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16, ग्रुप 16 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट, तो ग्रुप 16 एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है। ग्रुप 16 एलिमेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है मैं बता देता हूं बच्चों। तो ग्रुप 16 के अंदर जो हम एलिमेंट पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, दीज 5 एलिमेंट वी हैव टू स्टडी इन ग्रुप 16। 5 एलिमेंट के बारे में हमें ग्रुप 16 के अंदर पढ़ना है। ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ओम सिंह से टी पो, ओम सिंह से टी पो, दिस इज द ट्रिक टू मेमोराइज द ग्रुप 16 एलिमेंट। ये ग्रुप 16 एलिमेंट को याद करने की ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक है ओ स्टाइल से टी पीओ, ओ स्टाइल से टी पीओ, मतलब एक को बोल रहा है किसी को कि स्टाइल से चाय पियो, टी पियो मतलब स्टाइल से चाय पियो, या ऐसे भी याद रख सकते हैं ओ स्टाइल से टिपो, मतलब चीटिंग करने के वो बता रहा होगा कि स्टाइल से टिपो, टिपो का मतलब होता है चीटिंग करना, एक रीजनल वर्ड है ये टिपो। मतलब आप अपने तरीके से कैसे भी आप अपना बना सकते हैं। ये ग्रुप 16 को याद करने की एक ट्रिक बनाई है, बनी हुई है, तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हो और आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए। तो ये है, दीज आर द ट्रिक्स टू मेमोराइज ग्रुप 16 एलिमेंट। ओम सिंह से टीपो और ओम ओ स्टाइल से टीपो और स्टाइल से टीपीओ, कुछ भी आप देख सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, देन सल्फर 16, देन सेलेनियम 34, देन टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का हो जाएगा 52, देन पोलोनियम 84। दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया हमने, बहुत सिंपल है बेटा। ये जो है ना ऑक्सीजन, ये सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड,
पीरियड, और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट, पोलोनियम सिक्स पीरियड का है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है प्लस एट। जब इसमें सेकंड से थर्ड के अंदर आएंगे बेटा, तो इसके अंदर फिर ऐड करेंगे 18, इससे इसमें आएंगे तो फिर ऐड कर देंगे 18, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे 32। तो ऐसे हम इसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये बेटा एक्स ऑक्सीजन, ये है गैस, ऑक्सीजन गैस है, और बाकी सारे क्या है, सॉलिड, सारे क्या है, सॉलिड। अब हम इसके दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने अभी देख लिया था, ऑक्सीजन गैस है, बाकी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सारे क्या है बच्चों, सारे क्या है, बाकी वाले सॉलिड नेचर के हैं। अब ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये जो दो कंपाउंड है ना बेटा, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर नॉन मेटल, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर नॉन मेटल्स। देन सेलेनियम एंड टेलुरियम बोथ आर मेटेलॉइड्स एंड पोलोनियम इज मेटल। पोलोनियम है ना बेटा, ये मेटल है, ये एक ही मेटल है इसके अंदर, ये मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटेलॉइड्स एंड पोलोनियम मेटल्स। तो ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसमें भी मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। देखो नॉन मेटल से मेटलॉइड हो गए, और मेटलॉइड से फाइनली किस में कन्वर्ट हो गए, मेटल, पोलोनियम मेटल होता है। तो ये जो पोलोनियम है ना बेटा, ये एक्सेप्शनल केस भी है साथ साथ में। एक्सेप्शनल केस किस टाइप से है, ये जो पोलोनियम है ना, ये पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका हाफ लाइफ होता है बेटा, हाफ लाइफ, और इसका हाफ लाइफ कितना होता है मैं लिख देता हूँ, इसका हाफ लाइफ है बेटा 13.8 डेज होता है इसका हाफ लाइफ पोलोनियम का। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है। तो चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये सेलेनियम, ये टेल्यूरियम एंड ये पोलोनियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले इसका लिख दो हीलियम क्रोड से, ये इसका लिख दिया हीलियम क्रोड, देन नियोन, देन आर्गोन, देन क्रिप्टोन, देन जीनोन। पहले ऐसे लिख दो, ये बना दो, इनके क्रोड बना दो, हेलियम क्रोड, नियोन क्रोड, ये बना दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो अब ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, तो ग्रुप 16 एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। NS2 एंड NP4 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट। NH2 एंड NP4 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन सेकंड फैमिली का, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, पहले अभी बताया था ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पीरियड है, और ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो इसके लिए आ जाएगा एन की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2s2 2p4। इसी टाइप से सल्फर के लिए आ जाएगा 3s2 3p4। इसी टाइप से सेलेनियम के लिए आ जाएगा 3d10 4s2 4p4। इसी टाइप से इसके लिए आ जाएगा टेलुरियम के लिए 4d10 5s2 5p4। देन इसके लिए आ जाएगा 4f14, देन 5d10, देन आ जाएगा इसमें 6s2, इसमें आ जाएगा 6s2 एंड 6p4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया अभी तक। मैंने ग्रुप 16 एलिमेंट जो है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोरियम, उसको कैसे याद रखते हैं उसकी ट्रिक बताई है, उसका एटॉमिक नंबर बताया है,
इसकी मेटेलिक कैरेक्टर कैसी है, ये नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है या मेटल्स है, इसके बारे में बताया, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों को सिखाई है। अब ये जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, चेल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कोल्ड, ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कोल्ड चेल्कोजन। क्या बोलते हैं इसको हम, चेल्कोजन, वन मिनट, क्या बोलते हैं इसको हम, चेल्कोजन, इनको हम बोलते हैं चेल्कोजन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना चेल्कोजन, चेल्कोजन का मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, ग्रुप 16 के एलिमेंट को ओर फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया चेल्कोजन। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नोटबुक के अंदर पेन कॉपी ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अकरेंस ऑफ दीज एलिमेंट। तो अकरेंस के अंदर जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली एलिमेंट है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इस अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन मिलती है, और वो है 46% के आसपास, 46.6% लिखा हुआ, 46.6% ऑक्सीजन होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती है हमारे अर्थ क्रस्ट में। अबे मैं ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में आ जाएगा, अरे ऑक्सीजन तो 21% होती है सर, क्या बता रहे हैं, 46.6 कैसे बता रहे हैं, 46.6 कैसे बता रहे हैं सर, हमने तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीजन गैस एटमोसफेयर में 21% होती है, मैं ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं ऑक्सीजन के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीजन मिलती है वो 46.6% होती है। ऑक्सीजन सिर्फ हवा में थोड़ी होती है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर भी तो होती है, वाटर के अंदर भी होती है, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें भी तो ऑक्सीजन है, ओजोन गैस है, इसमें भी तो ऑक्सीजन है, तो मैं एलिमेंटल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, एलिमेंटल ऑक्सीजन हमारी अर्थ क्रस्ट में कितनी होती है, 46.6% होती है, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट मिलती है वो ऑक्सीजन होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है सल्फर। यहाँ पे इस ग्रुप नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ग्रुप नंबर 15 में सेकंड जो अबंडेंट एलिमेंट है वो है सल्फर। इस ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर 16 के अंदर, तो ये जो सल्फर है वो किस किस फॉर्म में मिलती है, वो जिप्सम के फॉर्म में मिलती है। देखो जिप्सम की फॉर्मूला CaSO4.2H2, ये जिप्सम का फॉर्मूला, इसके अंदर सल्फर है। इसी टाइप से एप्सम सोल्ट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, इसे इसी टाइप से बारलाइट है BaSO4, इन सब के अंदर भी सल्फर मिलती है। इसी टाइप से सल्फर के पानी के अंदर भी सल्फर मिलती है, बहुत सारे जो फूड होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं उनमें भी सल्फर मिलती है, जैसे प्याज वगैरह उनमें सल्फर मिलती है, लहसुन में भी सल्फर मिलती है। तो सेलेनियम टेलुरियम, ये भी क्या होते हैं बच्चों, मेटल के फॉर्म, ये मेटलॉइड्स होते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम अभी हमने पढ़ा था, ये मेटलॉइड्स होते हैं। और जो पोलोनियम होता है वो नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये किससे मिलता है, जब हम यूरेनियम का डिके करते हैं ना, जब यूरेनियम ब्रेक होता है ना, यूरेनियम जो ब्रेक होता है, जब इसके न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट होती है यूरेनियम के एटम के ऊपर, तो ये पोलोनियम के अंदर और एक और एटम होता है उसके अंदर ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तब हमें पोलोनियम मिलता है, जिसका हाफ लाइफ मैंने बता दिया 13.8 डेज होता है, इतना कम इसका हाफ लाइफ होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में हमने बात कर ही ली, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जैसे हम ग्रुप में अप से डाउन, अप टू डाउन आते हैं, अप का मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेल्यूरियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, तो ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं ना, ग्रुप में अप टू डाउन आने से क्या होता है, इसकी एटॉमिक साइज बढ़ती है, इसकी साइज बढ़ती है कुल मिलाकर। तो जब इसकी साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा और इसकी आयनिक रेडियाई भी बढ़ती है। तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की एक टेबल दे रखी है हमारी बुक के अंदर, CBSE की बुक के अंदर, इसको ये जो टेबल है ये फाइनल है, इसी को हमें कंसिडर करना है। तो
तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के हमने डिस्कस कर ही लिया था, ऑक्सीजन सल्फर का 16, देन 34, 52 एंड 84। देन इसका एटॉमिक मास, सल्फर का आप लोगों को पता होगा, 6th क्लास से 7th क्लास से आप लोग पढ़ते आए, उसका एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल होता है। 16 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन एलिमेंट है ना बेटा, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का मतलब बहुत लोग O2 से निकाल लेते हैं, ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बेटा। जब आपको सिर्फ ऑक्सीजन बोले ना तो इसका मतलब O2 है वहां पे, और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में दे रखी है तो यहाँ पे O, इससे इसको ये एटॉमिक मास दे रखा ना, ये O का मानना है, O का मतलब ये ऑक्सीजन एटम का मानना है, तो ऑक्सीजन एटम का दे रखा 16 ग्राम पर मोल। इसी टाइप से सल्फर का दे रखा 32, देन सेलेरियम का 78, देन टेलुरियम 127, एंड पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका 210 एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लोगों ने सीख ही लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को लिखना आना चाहिए। अब ये आप कब लिख पाओगे, जब आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे, नोटबुक में जब आप लिखोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर रखना बेटा, लिखने की प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, बिना लिख के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ भी गया तो थोड़ी देर के लिए आएगा, वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, जल्दी डिसअपीयर भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि जरूर से जरूर इसको नोटबुक में भी लिखें, आप लिखने की प्रैक्टिस रखें। नेक्स्ट, कोवलेंट रेडियस। तो अभी हमने बताया था ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो क्या होती है, रेडियस बढ़ती है, क्या बढ़ती है इसकी, रेडियस बढ़ती है। अब इसकी रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, जब इसकी रेडियस बढ़ती है ना तो इसकी साइज बढ़ेगी, अप टू डाउन आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो एटॉमिक साइज देखो, सल्फर की, ऑक्सीजन की दे रखी है 66, देन 104, देन 117, देन 137, देन 146, दिस इज द एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर। देन आयोनिक रेडियस, तो आयोनिक रेडियस भी अप टू डाउन आने पर क्या होगी, बढ़ेगी। देखो ये आयोनिक रेडियस 140, देन 184, 198, 221 एंड 230, तो अप टू डाउन आने पर आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस दोनों बढ़ती है। यस, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जितनी एनर्जी को लिबरेट करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेनेवर एनी एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड बाई दैट एटम और दैट एलिमेंट और द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन के लिए होती है सबसे कम 141 किलो जूल पर मोल के अंदर, और फिर सेलेनियम के और सल्फर के लिए 200, सबसे ज्यादा सेलेनियम के लिए, सल्फर के लिए उसके बाद में सेलेनियम की 195, देन 190, देन 174। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के आप लोग देख सकते हैं बहुत कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2.6 लिखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है तो 2.6 लिखते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होते हुए भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम है। रीजन क्या है कि साइज छोटा है, साइज छोटे होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ता है, और रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है, कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन लिबरेट, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कम लिबरेट करता है। सल्फर में ज्यादा है, सल्फर में ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि सल्फर के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होने की वजह से, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है बेटा, ये देखो सल्फर जो है ना, ये थर्ड पीरियड का है, सल्फर जो थर्ड पीरियड का है, इसके अंदर